मुंबई के एक कांदिवली पूर्व स्थित लोखंडवाला में मनपा के वार्ड क्रमांक 27 की स्थानीय भाजपा नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल ने अपने कार्यों का हवाला एक पुस्तक के माध्यम से लोगों को दिया है, जिसका प्रकाशन स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी, स्थानीय विधायक अतुल वातलकर और नगर सेविका के हाथों किया गया। इस मौके पर स्थानीय जनता व पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता सुनील कनौजिया की इस खास रिपोर्ट पर। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे सर? हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी ने जिस तरह से लोखंडवाला परिसर में 5 साल काम करते हुए लोगों का दिल जीता, आपने देखा कि हजारों की संख्या में उनके कार्यवृत्ति के अहवाल के ऊपर यहाँ पर आए हैं और 5 साल में अनगिनत काम उन्होंने किया और अनगिनत लोगों को जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। इसलिए सांसद के नाते मैं उन्हें शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं अपेक्षा करूँगा कि आने वाले दिनों में भी वो जितना काम उन्होंने आज तक किया है उससे भी ज़्यादा काम आने वाले दिनों में करते हुए लोगों की सेवा करने का प्रयास करेगी, ऐसा भाव व्यक्त करते हुए मैं फिर एक बार उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। सर, हिजाब मुद्दे पे क्या कहेंगे सर? नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी ने अपने 5 बरस के कार्यवृत्तांत अहवाल का प्रकाशन किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जो 5 बरस में उन्होंने जनहित के अलग अलग प्रकार के काम किए, उन सभी कामों का ब्यौरा उन्होंने आज अपनी जनता के सामने रखा और इसके लिए उनके आगे के राजनीतिक जीवन के लिए भी ढेर सारी शुभेच्छा देना चाहते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं? आज कांदिवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 27 में भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्य अहवाल का उद्घाटन था। इस उद्घाटन में हमारे खासदार गोपाल शेट्टी साहब, आमदार अतुल भातखळकर साहब उपस्थित थे और मेरे पूरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ते और पूरे विभाग के प्रभाग के पूरे रहवासी यहाँ पे थे। मैं सही में आज का माहौल देखा और लोगों का प्यार देख के सही में ऐसा लगा, आज दिल भर आया, मैंने जो सेवा की उसका फल मुझे।